हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नाजिया। आज मैं आपको थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीज के बारे में बताऊंगी। पहले हम बात करते हैं हिबिस्कस टी के बारे में। हिबिस्कस स्किन है दोनों के लिए फायदेमंद है। फर्स्ट हम स्किन के बात करते हैं। हिबिस्कस में ना एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट्स और AHAs, BHAs और विटामिन्स होते हैं, जिससे हमारे स्किन की कॉम्प्लेक्शन और टेक्स्चर एनहेंस होता है। जैसे विटामिन सी हमारे स्किन टोन को लाइटनिंग और ब्राइटनिंग करता है, और विटामिन ई मॉइस्चराइजेशन के साथ साथ कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव करता है। इसमें जो AHAs और BHAs पाए जाते हैं, इससे हमारी हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, डिसकलरेशन और अनइवन स्किन टोन को ट्रीट करने में मदद करता है। हिबिस्कस इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब हमको प्री मेच्योर एजिंग होती है, जो वो पोल्यूटेंट्स की वजह से, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और ट्रैफिक पोल्यूशन से हमारी स्किन की एजिंग दुगनी तेजी के साथ बढ़ती है, जो वो हमारी फ्री रेडिकल्स को डैमेज करता है, तो वो उसको डैमेज को रोकता है एंटीऑक्सीडेंट, और हमारी स्किन की एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। इसमें एक एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज होते हैं, जिससे लार्ज पोर्स को रिड्यूस करने में मदद करता है। इसे बनाने के लिए एक पैन में वाटर बॉईल करके फ्लेम को ऑफ कर देना है। 2-3 फ्लावर्स डाल के लिड को क्लोज कर देना है। पूरा न्यूट्रिएंट्स, उसका पूरी ताकत वाटर में आ जाए, इसलिए 5 मिनट्स आप वेट करिए। उसके बाद स्ट्रेन करके आप कंज्यूम कर सकते हो। उसको हॉट भी यूज़ कर सकते हैं और कोल्ड ड्रिंक भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ टी हॉट टी भी यूज़ कर सकते हैं। हेड्स के लिए अमीनो एसिड्स और न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, और हेड्स को हेल्थी स्कैल्प भी देते हैं और हेड्स ग्रो करने में मदद करता है। हिबिस्कस में अमीनो एसिड रिच न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसमें जो नेचुरल अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जिसे हम केराटिन कहते हैं, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, और बहुत सारे हेयर इश्यूज जैसे ड्राई एंड फ्रिजीनेस, प्रीमेच्योर ग्रेइंग, डैंड्रफ, बाल्डनेस, एक्जिमा एंड सोरियासिस, इन सब प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में मदद करता है। आप इसे कंटिन्यूसली यूज़ करके देखिए, विद इन ए मंथ आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इसको रात में कंज्यूम भी कर सकते हैं या मॉर्निंग में कंज्यूम कर सकते हैं, इज अप टू यू। ब्लू पी टी, या इसे हम डिटॉक्स टी भी कह सकते हैं, क्योंकि इट डिटॉक्सिफाइज द बॉडी। मतलब जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन्स और स्टमक को क्लेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं, उसको क्लेंस करता है वो। ये डिटॉक्स मतलब हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को क्लेंस करना, इसको डिटॉक्स कहते हैं। ये एक वेट लॉस ड्रिंक भी बोलते हैं। इसमें ऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से हमको एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं, जिससे हमारी स्किन यंग और हेल्थी होती है। और फ्लेवोनॉइड से कोलाजिन का प्रोडक्शन स्टिमुलेट होता है और स्किन की एलास्टिसिटी डेवलप होती है। ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, जिससे कि एक हेल्थी स्किन और हमको एक हेल्थी स्कैल्प मिलती है, जिससे हमारे हेयर फॉलिकल्स स्ट्रेंथ अप भी होते हैं और हमारा हेयर ग्रोथ भी इम्प्रूव भी होता है। ये क्लिनिकली प्रूवन हो चुका है कि ब्लू टी में ग्रीन टी से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ग्रीन टी से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एक रिफ्रेशमेंट टी भी है, जो हमारे ब्रेन सेल्स को बूस्ट करता है, जिससे हमें ज़्यादा एक्टिव रहने की ताकत मिलती है। इट ट्रीट्स एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। अकॉर्डिंग टू द स्टडीज, ब्लू टी कैन रिलीव द स्ट्रेस एंड लोअर द सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी। इसको बनाने का तरीका भी सेम है। एक पैन में वाटर बॉयल करके फ्लेम ऑफ करने के बाद ब्लू पी के पेटल्स डाल के लिड बंद कर देना, फिर इसको स्ट्रेन करके पी सकते हैं। इसको चिल्ड भी पी सके। बनाने के बहुत सारे तरीके हैं,
आप जब भी आप फ्रेश यूज़ करते हो ज़्यादा उसको बॉयल नहीं करना है, उसकी न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स सब ख़त्म हो जाते हैं हीट की वजह से। तो ध्यान रखिएगा कि उसको बॉयल ना करें, सिर्फ हॉट वाटर में डाल के लेट इट सेट फॉर 5 मिनट्स एंड स्ट्रेन इट। चैमोमाइल टी, चैमोमाइल रिलैक्स द नर्व्स एंड सूथ्स द नर्वस सिस्टम, जिससे हमें एक अच्छी नींद आएगी। और इसको रात में कंज्यूम करने से बेस्ट है जिसको अच्छी नींद चाहिए। बहुत सारे स्टडीज है कि ये हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया से फाइट करके हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। अगर आपको सर्दी जुकाम हो तो उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इम्यून सिस्टम को ना बूस्ट करता है। तो आप सर्दी जुकाम हो या फीवर हो तो आप उसको कंज्यूम करने से आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। और अगर आप स्टीम इन्हेलेशन करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं, आप स्टीम इन्हेल भी कर सकते हैं। अगर आपको पीरियड पेन हो, स्टमक एक हो, तो चैमोमाइल टी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलैक्स करता है। ये एक मानो ये एक स्ट्रेस रिलीफ टी है। रही बात स्किन की, ये एक नेचुरल स्किन ब्लीच है विथ एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे स्किन को लाइटन और ब्राइटन करके एक हेल्थी ग्लोइंग स्किन मिलेगी। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, जिससे एक्ने करता है और एक्ने स्कॉर्स को, स्पॉट्स को रिड्यूस करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मतलब हमारे सनबर्न को ट्रीट करता है, टैनिंग सनबर्न को ट्रीट करने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं मतलब एंटी एजिंग इट स्लोस डाउन द प्रोसेस ऑफ एजिंग। अगर आपको डार्क सर्कल्स हो तो आप इसके टी बैग्स को फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली आफ्टर डूइंग आई मसाज, जो आपकी पफिनेस है वो दूर हो जाएगी। और रही बात हेयर्स के लिए, तो इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, तो ये हमारे डैंड्रफ को प्रिवेंट करने में मदद करता और एक सूथिंग इफेक्ट देता है। शैम्पू के बाद आप ये चैमोमाइल वाटर को रिंस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये चैमोमाइल ट्री बनाने के लिए आपको क्योंकि मैंने यहाँ ड्राई पेटल्स यूज़ किया है, अगर मैंने फ्रेश यूज़ किया हुआ हो तो सेम प्रोसीजर था। अगर यहाँ मैंने ड्राई पेटल्स यूज़ किया है इसीलिए मैं इसको बॉयल कर रही हूँ, बॉयल करके एक 2 to 3 मिनट्स इसको बॉयल करके स्ट्रेन कर रही हूँ। तो ये रहा मेरा 3 टीज के बारे में बेनिफिट्स। आपको आप कमेंट करके बताइए आपको कौन सी टी की बेनिफिट्स अच्छी लगी और आप कौन सा ट्राई करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।